रियासत कालीन माँ कालिका माता मंदिर में कई वर्षों से नवरात्रि के बाद तेरस पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं कोरोना काल के 2 सालों के ब्रेक के बाद विशाल भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन के बाद भंडारे प्रसादी ग्रहण की। दरअसल बड़वानी का नाम ज्यादा से ज्यादा भंडारे आयोजन में प्रसिद्ध है। वहीं नवरात्रि के बाद माँ वैष्णो देवी के भंडारे के बाद माँ कालिका माता मंदिर के प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी बृहद भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर भंडारा प्रसादी ग्रहण की। सुबह 11 बजे से देर शाम तक लगातार चलने वाले भंडारे में सब्जी काटने, पूरियां बेलने और बनाने का कार्य श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा प्रसादी वितरण का कार्य किया गया। वहीं कालिका मित्र मंडल द्वारा महिलाओं के लिए अलग स्थान और पुरुषों के लिए अलग स्थान पर व्यवस्था की गई। माँ कालिका मित्र मंडल के हम कर्मठ कार्यकर्ता हैं। माँ कालिका मित्र मंडल प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व के पश्चात 13 के दिवस माँ कालिका का विशाल भंडारा आयोजित करता आ रहा है। यह भंडारे की रूपरेखा हमारे पूर्वजों ने श्री उपम सिंह जी पाटीदार, श्री महेंद्र सिंह जी राठौर, भगवान सिंह जी राठौर, बसन जी पुरोहित, ऐसे लोगों ने हमें विरासत में सौंपी और इस कार्य इस भंडारे को हमने आगे बढ़ाया। प्रतिवर्ष अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। विगत 2 वर्षों का ब्रेक रहा, परंतु कोरोना काल के दौरान जो महामारी आई उसमें जो बिछड़े हमको, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हमारे मंडल के कार्यकर्ता को, क्योंकि यदि उनका जिक्र ना करें तो ये कार्यक्रम अधूरा माना जाएगा। श्री त्रिलोक सिंह जी राठौर जो हमारे सम्मानी रहे, उसके पश्चात माँ कालिका के दरबार में आज एक विशाल जन समुदाय ऐतिहासिक रूप में उपस्थित हुआ है। चहुं ओर माँ के भक्तों का मेला लगा हुआ है। हमने आज 35 क्विंटल आटे की पूरी, 15 क्विंटल आटे, 15 क्विंटल शक्कर की नुक्ती और लगभग करीब 25 से 26 क्विंटल सब्जी का सुबह निर्माण करा, जो माँ अन्नपूर्णा की कृपा से संभव हो पाया। सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारियों, बड़वानी शहर की सम्मानित जनता, हमारी जनप्रतिनिधियों, पत्रकार बंधुओं के जन सहयोग से और सभी प्रशासनिक अधिकारियों के जन सहयोग से संपन्न होता है। आज माँ कालिका के विशाल भंडारे में मौसम ने जरूर अंगड़ाई ली थी, परंतु माँ कालिका और बाबा महाकाल का आशीर्वाद, बालीपुर सरकार की श्री चरणों की कृपा से अभी तक उस इंद्र देवता को अपनी हार मानना पड़ी और वे अपने गंतव्य स्थान पर है, यहाँ तक नहीं पहुँचे। क्योंकि कल माँ वैष्णो देवी का भंडारा था, वहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था इंद्र देवता के कारण हुई। माँ वैष्णो देवी और माँ कालिका मित्र मंडल दोनों एक ही समिति है। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हमारे बीच पहुँचते हैं और दोनों भंडारे एक दूसरे समितियों के बीच में संपन्न होते हैं। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट।